मान्यवर, जब रेल की बात आती है हर व्यक्ति ये सोचता है कि सुरक्षा और भरोसा ये दूसरा नाम है। समाचार पत्रों में पढ़ रहा था यात्रीगण अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ऐसा अखबारों में इसलिए लिखा कि लगातार देश में रेल आ 6 हफ्ते में तीसरी रेल दुर्घटना। सबत महोदय, आखिरकार आप विभाग के मंत्री हैं, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? जर्नी रेल में लिखा है, लिखता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता है या नहीं, ये लोगों के अंदर शंका उत्पन्न हो गई। समाचार पत्र में प्रकाशित संसद की लोक लेखा समिति की वर्ष 23-24 की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के 132 साथियों के संदर्भ में कहा गया कि रेल पटरियों की जांच ट्रैक रिकॉर्ड कार्ड से होनी चाहिए, जो नहीं होती। और रेलवे किसी जोन में 70% ट्रैक की जांच हुई तो किसी जोन में बिल्कुल नहीं हुई, कहीं ब्लॉक नहीं मिले, मिलने से तो कई स्टाफ की कमी सामने। सौभाग्य महोदय, रेल मंत्री जी हमारे राजस्थान से आते हैं, हमें बड़ी उम्मीद राजस्थान को, हमारे संसद क्षेत्र को है। आज हमें रेलवे में आधुनिकीकरण की बात करें, रेल पटरियों की गड़बड़ी अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन से पता चलता है कि उत्तर रेलवे की 50% और ईस्ट कोस्ट जोन में 100% कमी, 100% कमी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि अगर संसद की लोक लेखा जैसी महत्वपूर्ण समिति की रिपोर्टों का आप अध्ययन क्यों नहीं करते? साथ ही कल झारखंड के अंदर जो ट्रेन दुर्घटना हुई, 6 हफ्ते में तीसरी रेल दुर्घटना, सबत महोदय आखिरकार आप विभाग के मंत्री हैं, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी क्यों नहीं मानते? ट्रेन में सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगे, ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं है, कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगी? और हम लोग जो यात्रा करते हैं, आम आदमी यात्रा जो कर रहा है वो अंदर भयभीत रहता है, नींद भी नहीं आती उसको रात को कि कहीं ट्रेन पटरी से उतर नहीं जाए। ये मेरा ये था आह्वान सर साहब, आम जन को सताने की, यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच का वीडियो बनाने वाले मौजूदा रेल मंत्री जी के कार्यकाल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतर रही है। सबत महोदय, ट्रेनों के बढ़ते हादसों के बाद देश के लोगों में सिस्टम के खिलाफ रोष व्याप्त है। सोशल मीडिया पर रेल मंत्री जी को लोग रेल मंत्री जी कहा जा रहा है, इसलिए समय रहते हमें कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ सर, समय रहते रेल मंत्री जी धरातल की बातों पर ध्यान दें। सबत महोदय, भारतीय रेल में जनता की जान सुरक्षित होने की गारंटी, एक बार फिर ट्रेन समेत पटरी से उतर गई। भारतीय रेल के वो डिब्बे जिन्हें ना जाने कब से सुरक्षा कवच पहनने के नाम पर वाई वाई लूटी गई है, एक रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में रेलवे ने 5000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य रखा, लेकिन जून 2024 तक मात्र 1500 किलोमीटर पर ही कवच लगा पाए। अगर कवच लगा होता तो शायद बालासोर सिलीगुड़ी तक कल झारखंड में ट्रेन आज से ऐसी दुर्घटना को रोका जा सकता, लेकिन रेल की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री जी और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे दावे में खोखले नजर आ रहे हैं। सबज महोदय, रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं कल जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सर, रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम जनप्रतिनिधियों और सांसदों का सम्मान करते हैं, सरकार सांसदों के कार्य को प्राथमिकता देती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी सत्र में सबज जी 24 जुलाई 2024 को मेरा एक सवाल सूचीबद्ध था, उसके जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहराव, नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण सहित अन्य मांगों के लिए माननीय सांसद जो मंत्रालय को लेटर भेजते हैं, उनका जो अभ्यावेदन मंत्रालय द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो उसका सार संग्रह नहीं रखा जाता, उनको हम रखते नहीं हैं, जो भेजते हैं वो उनके यहाँ पढ़े रहते हैं, सांसदों की मांग का रिकॉर्डिंग देते हैं, उसका एक मैकेनिज्म होता है। एक मिनट साहब, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और आपके पिछले कार्यकाल में मैंने आपको कई पत्र दिए, केवल पावती प्राप्त हो गया, अलावा आपका कोई जवाब नहीं आया। जब आप भी सांसदों के पत्रों में गंभीर नहीं है तो आपके मंत्रालय तो आप मिलके कह लेंगे, क्या उम्मीद, मिलके बात कर लेंगे। एक दो मिनट बात तो कहने दो, आप लेट तक बैठने वाला, हम ही कोरम पूरे करने वाले लोग जो कोरम पूरा रखते हैं लास्ट तक। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे आपके संकल्प का तो समर्थन किया हमने, जोधपुर मंडल का उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ से रेल मंत्री जी, हमारी मांग पर कोई कार्य स्वीकृत होता है, रेलवे क्षेत्र के विकास से जुड़ा कोई काम आता है तो उसकी जानकारी संबंधित सांसद को तो मिलनी चाहिए ना, हमें जानकारी नहीं जाती, अधिकारी सांसदों को प्रोटोकॉल से बड़े मंत्री जी या आपकी मानते नहीं, नहीं या आपने निर्देश दे रखे कि सांसदों को कुछ मत बताओ। अमृत भारत योजना के कार्यक्रम में मैं गया, कार्यक्रम देख के लगा बेनीवाल जी सरकारी आपसे तो हमें प्रेरणा मिलती है, आपको देखते हैं हम बोलते हैं तभी तो जाए साहब, और मेरा सौभाग्य आज आप बैठे ना अध्यक्ष जी भी, उन्होंने कहा कि बोलना, मैं बिल्कुल ढंग से मेरी बात रखूंगा, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, आप भी निश्चिंत, हम चाहेंगे कि हमारे काम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। आपकी
अमृत भारत मिशन परियोजना कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम देखकर लगा ही नहीं सरकारी कार्यक्रम। सरकारी कार्यक्रमों में आपने प्रोएक्टिव डाल दिया, कम से कम सरकारी कार्यक्रम को तो राजनीतिकरण मत करो। सभापति, कल हमारे एक साथी सदन में कह रहे थे कि स्वच्छता अभियान में रेलवे ने बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल कोचों में क्या हालात है। काफी टाइम हो गया, आपको पूर्व में 6 मिनट से हो गए। बात तो समाप्त करना चाहते हैं, कुछ मैं हमारे सुझाव भी लेंगे, आप बैठे। सुझाव ही मैं चाहता हूँ, एक मिनट मंत्री जी नोट कर रहे हैं, एक मिनट में मैं ये करता हूँ, उसके बाद एक मिनट में अपने सुझाव दे दीजिए। हनुमान जी, माननीय हनुमान जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने सुझाव। आप सुनो, थोड़ा तो सुझाव दे दीजिए, सुझाव दे। बड़ी मुश्किल से आपको पता नंबर आया मेरा। जनरल कोचों में क्या हालात है, 200-300 लोग एक डिब्बे में चढ़ जाते हैं। हमारे बिहार से आने वाले माननीय सांसद ने बड़ी चिंता जाहिर की इस व्यवस्था में, आप कैसे सुधार को इस पर ध्यान दें। ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाए, स्टेशनों पर जो टॉयलेट है, ट्रेनों के टॉयलेट हालात देखो आप, सफाई को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सारे फैलने। एक बात तो दूसरी, समय बहुत से, इतनी लंबी स्पीकर की लिस्ट है कि इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। तो हनुमान जी, आपके लिए 2 मिनट में मेरी सभापति जी पूरी बात कर दूंगा साहब, पूरी। बस एक उसके बाद मेरे सुझाव, मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत समय हो चुका है, 1 मिनट बाद मेरे संसदीय क्षेत्र आपको समय मिला है, 1 मिनट। आप देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियों को भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिल रहा और आपको उससे ज्यादा मिल गया। अब सर सुनो, 2 मिनट तो आपने मुझे रोक के नहीं रोका, नहीं मान, एक बात पूरी तो कर, 1 मिनट बाद। रेलवे का स्टेशनों पर मैंने जो बताया साहब, सफाई को लेकर जो दावे किए, आप सुझाव पे आ नहीं रहे हैं। रेलवे का ध्यान आप सोच के आए हैं माननीय मंत्री जी को, आपके राजस्थान के हैं तो तभी तो मैं इनको चढ़ा रहा हूँ। राजस्थान बात करें तो कुछ उधर राजस्थान में काम करें। रेलवे का ध्यान फ्रेट कॉरिडोर बनना पर अच्छा भी है, लेकिन पहले यात्री रेल लाइनों का सुधार करना ज़्यादा जरूरी है। आज रेलवे अपनी संपत्ति निजी हाथों को सौंप रहा अनुचित है। शपथ जी, विगत वर्ष फरवरी 2023 तक देश में विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के आंकड़ों अनुसार 1,16,776 धन्यवाद आपके। 1 मिनट आपने मुझे दिया साहब, 1 मिनट तो होने थे मेरा पूरा। जोनल रेलवे जिसमें रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे विशेष सुरक्षा बल में कुल 1,77,911 पद रिक्त पड़े थे, इस प्रकार लगभग 3 लाख पद खाली पड़े। आप जवाब देते हुए बताएं कि 1 वर्ष में आपने कितने पद भरे, धन्यवाद, और बाकी पदों को धन्यवाद। बात आगे, मैं समाप्त कर रहा हूं। सतपाल ब्रह्मचारी जी, मुझे पूरी बात सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरा अब आपको मैंने बहुत समय दे दिया, सिर्फ दे दिया एक लाइन। अच्छा, एक लाइन और अपनी जो बात कहनी हो एक लाइन में कह ले। 1 मिनट, एक लाइन नहीं साहब, 1 मिनट तो कर लेता हूं। हम एक मिनट, अब 2 मिनट तो आपने ले लिए मेरे सभापति जी, आपसे ही तो हम प्रेरणा लेके आ रहे हैं। हम अमृत भारत स्टेशन योजना में आप चरणबद्ध रूप से स्टेशनों का चयन करें। आज रेलवे में आधुनिकरण की बात हो रही है। मंत्री जी, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में मुंडवा, मकरणा, कुचामण और नावातर लाडनू स्टेशनों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाए, और जोधपुर मंडल में मेरे नागौर, डीडवाना, मेड़ता रोड से जिन स्टेशनों को विकास करें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत, उन कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कमेटी बनाई जाए। मैं सुरक्षा की बात, बहुत धन्यवाद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। अब हो गई आपकी मांग, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः। मान्य अध्यक्ष।